यस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। 11th शर्ट्स के अंदर हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं। अभी चौथा नंबर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्रेशन अपकिरण। सबसे पहले तो अपकिरण किसे कहते हैं, रोमकोस का अर्थ उसका मालूम होना चाहिए। सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द और उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं वह प्रदर्शित करते हुए अर्थात चलन अर्थात उसे अपकरण कहते हैं। जो भी हमको सूचना मिली है उसके औसत माप कौन से हैं हमारे मध्य मध्यस्थ और बाहुलक, वह कितने इर्द गिर्द हैं, वो कितने आसपास हैं, वह जानने के लिए जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं जो निकालते हैं उसे मेजरमेंट ऑफ डिस्प्रेशन कहते हैं। इसका दूसरा भी एक सिंपल इसका अर्थ है, इसकी मीनिंग है सूचना के अवलोकनों का प्रसार या फैलाव को प्रदर्शित करता मूल्य, जो सूचना है उसके अवलोकनों का फैलाव प्रदर्शित करते माप को मेजरमेंट ऑफ डिस्प्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या करना है, एक इसकी मेजरमेंट डिस्प्रेशन का अर्थ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टिकोण। ठीक है, फिर इसके बाद 4.31 नहीं करना है, फिर चतुर्थक विचलन करना है हमको 4.32 करना है हमको, इसके बाद 4.3.4 प्रमाण विचलन भी हमको इसके अंदर चैप्टर में करना है और मिश्र प्रमाण विचलन नहीं करना है। क्या क्या करना है हमको, सिर्फ इसके अंदर 4.3.2 ठीक है रेंज नहीं करना है, चतुर्थक विचलन और प्रमाण विचलन। ठीक है 4.3.4 और 4 इसके अंदर डिस्कस करना है, मेन जो इसके लॉन्ग सम उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है, उसमें को जो पार्ट उसका है चतुर्थक विचलन क्वार्टर डेविएशन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसके हमको मीनिंग समझनी पड़ेगी। इसके अंदर हमको सूचना के तृतीय चतुर्थक यानी Q3 जो भी सूचना देता है हमको क्या दे देता है, कुछ माहिती दे देता है, माहिती में क्या पहले फाइंड करेंगे Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 और Q1 के बीच के अंतर के दो या दो से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे चतुर्थक विचलन कहते हैं। ठीक है, जैसे Q3 में से Q1 लेस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे दो से, जो भी हमको प्राप्त होगा उसे क्वार्टर डेविएशन या चतुर्थक विचलन कहते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर हम दो इसको पार्ट में अलग डिवाइड किया गया है, एक सतत असतत आवर्ती वितरण के सूत्र, दूसरा सतत आवर्ती वितरण के सूत्र। ठीक है, इसमें हम लोग अपने चैप्टर 3 में हमने सीखा था मध्यस्थ निकालना और उसके जैसा ही थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूला में चेंज है। तो फर्स्ट क्या निकालते हैं मध्यस्थ में Q2 होता है Q1 का जो फॉर्मूला है औसत आवर्ती वितरण में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 थ्री ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन औसत आवर्ती वितरण में और Q3 में सेम टू सेम ऐसे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इसमें ब्रैकेट के आगे ले लेंगे 3 जो भी हमको n प्लस 1 डिवाइड 4 से भी जो हमको प्राप्त होगा उसको 3 से गुणा कर देंगे थ्री ऑब्जर्वेशन अवलोकन। ठीक है, यह सूत्र किसके असतत आवृत्ति वितरण के। अभी सतत आवृत्ति वितरण के सूत्र इसमें हमको क्या फाइंड करना पड़ता है क्वार्टर डिवीजन के लिए Q1 और Q3। तो Q1 का इसके सूत्र है n प्लस
जैसे हमने जब लॉन्ग सम किए थे उसमें क्या एल क्या फाइंड आउट जो सी एफ में से जो हमको सी एफ का जो कॉलम है उसको रेफर करके हम लोग एल का यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास वो लेते थे। फिर एन बाय फोर हमको मिल जाएगा जो भी हमारा एन टोटल होगा प्राप्तांक या मार्क्स वगैरह दे देगा उसका टोटल उसको डिवाइड करेंगे चार से लेस करेंगे सी एफ मतलब हमने क्या किया जो हमको अवलोकन थे उसके सी एफ में क्या ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ जो हमको एन बाय फोर मिला है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी इनटू सी क्लास का इंटरवल कितना है क्लास इंटरवल कितना है वह इसके अंदर दर्शाएंगे। फिर इसके बाद क्यू थ्री क्वार्टर थ्री कैसे फाइंड करेंगे एल इसका जो सूत्र होता है एल यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस एम बाय फोर इंटू कर देंगे थ्री के साथ क्यों क्वार्टर थ्री है सेम क्वेश्चन यहां पर भी देखा इंटू थ्री से कर देते थे यहां पर भी इंटू थ्री के साथ करेंगे लेस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी ठीक है सी मींस क्या क्लास डिफरेंस ठीक है। यह दो चीज प्राप्त होने के बाद दोनों में हमको क्या करना पड़ता है दो एक प्राथमिक हमको जानकारी मिल गई प्राथमिक उत्तर मिल गया पर जो मेन है इसके अंदर चतुर्थक विचलन यानी ऑर्डर क्या है ऑर्डर डेविएशन ऑर्डर डेविएशन टू डी मीन्स क्या जिसे फर्स्ट में दर्शाते हैं ऑर्डर डेविएशन ठीक है ऑर्डर डेविएशन का क्या मतलब होता है मैंने आपको उसकी परिभाषा में समझाया था कि Q3 में से Q1 लेस करके उसके दो से भाग देने पर जो भी हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं ऑर्डर डेविएशन ठीक है। ये कहां से मिलेगा औसत आवृत्ति वितरण होगा तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे सतत आवृत्ति वितरण होंगे तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। फिर जो भी हमको मिला है Q3 Q1 लेस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ठीक है हमको मिल जाएगा क्वार्टर डेविएशन। और इसके अंदर एक हमको और चीज निकालनी पड़ती है तो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वार्टर डेविएशन सब में हमको बोल देगा जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थक विचलन। ये चतुर्थक विचलन है और चतुर्थक विचलन कोएफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन इसका जो सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा आंसर ठीक है। आपको ये इस 4.2 इसका इसके अंदर इतने फॉर्मूला हमको मिनिमम यानी सब फॉर्मूला आपको याद ही करना इसके सिवा हमको कोई छुटकारा नहीं है। स्टेट्स लगा है तो हमको फॉर्मूला सबके याद करनी पड़ेगी फॉर्मूला हमको याद है जो भी वैल्यू निकले उसको इनपुट करो यूजली हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। तो आज 4.2 एक्सरसाइज करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे ठीक है। तो वो पेज नंबर किस पे है पेज नंबर 133 इसमें हमको क्या इंफॉर्मेशन दी है एक निशानेबाज एक स्पर्धा में पूर्व तैयारी करते समय अंतिम 10 प्रयत्नों में निम्नलिखित बताए अंतर यानी मिलीमीटर में चूक जाता है यानी क्या उसका निशाना प्रॉपर नहीं लगता है तो उसके नीचे हमको प्राप्तांक दे दिए हैं 20, 32, 24, 41, 20, 32, 24, 41, 18, 27, 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
है और उपरोक्त सूचना से निशाने के चूक के माप का चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन क्वार्टर डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकालना है हमको। क्या क्या निकालना है हमको? क्वार्टर डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन को हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम
इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो भी उसको माहिती थी मध्यस्थ क्या करते थे हम लोग, जो भी माहिती मिलती है पहले उसको चढ़ते चढ़ते क्रम में दर्शन देते, बट हम लोग चढ़ते क्रम में उसको दर्शाएंगे तो ज्यादा हमारे इसी रहेगा, तो माहिती दर्शाएंगे 15 18 20 24 25 27 32 33 34 41 इस तरह से हमको माहिती को हमने चढ़ते क्रम में दर्शा दिया। और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q1 फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करेंगे, क्या सूत्र होता है फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है उसका, कौन सी माहिती है ये असतत माहिती वितरण में, तो इसका फॉर्मूला तो है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 वाह ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड करेंगे इसके बाद कितना आएगा 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 2.75 तो भी क्या करेंगे 2.75 तो यहां पे आ गई, तो क्या करेंगे दूसरा अवलोकन ले लेंगे, दूसरा अवलोकन सेकंड ऑब्जर्वेशन और इसमें सब लोग प्लस कर देंगे प्लस 0.75 और थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस कर देंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा 18 × 0.75 लेस देन थर्ड ऑब्जर्वेशन 20 − 18 तो हमारा क्या क्या आ जाएगा 18 प्लस 0.75
ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ये दो चीजें हमने निकाल दी क्यू वन और क्यू थ्री, थर्ड इसके लिए निकालते हैं वाटर डेविएशन। डेविएशन क्यू डी क्या फॉर्म आता था, क्यू थ्री लेस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू। क्यू थ्री कितना हमारा 35.25, 35.25 लेस कर देंगे इसमें से क्यू वन 19.5 डिवाइडेड बाय टू, कितना आ जाएगा हमारा क्यू डी 7.88। ठीक है, ये हमारा क्यू डी निकल गया। तीसरा नंबर हम चौथी नंबर निकालेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यू थ्री लेस क्यू वन लेस क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, उतने के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो 35.25 और 19.5 लेस कर देंगे इसमें से हम लोग, डिवाइड करेंगे 35.25 प्लस 19.5 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका 0.33। ठीक है, 0.33 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आया सबको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी क्या करना है आपको, ऐसा का ऐसा एग्जांपल है आपको होम असाइनमेंट में करना है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 होम में क्या करना है, एग्जांपल नंबर 5 आपको होम में करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।